नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर सतना जिले से है, जहां संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने शव यात्रा निकाली है। अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने आज हड़ताल के 15वें दिन संविदा की शव यात्रा निकाल कर विरोध जताया है। विरोध में रैगांव से कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा भी शामिल रही। आपको बता दें कि विधायक कल्पना वर्मा के साथ संविदा कर्मियों ने अस्पताल चौक से पन्नीलाल चौक तक सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर शव यात्रा निकाली व नियमितीकरण की मांग को लेकर विरोध दर्ज कराया। अस्पताल चौराहे से शुरू हुआ प्रदर्शन पन्नीलाल चौक तक गया, जहां संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने संविदा अर्थी का दाह संस्कार भी किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि हमने संविदा की शव यात्रा निकालकर सरकार को यह संदेश दिया है कि सरकार अब संविदा रूपी कलंक को समाप्त करे और संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित कर इस कलंक का अंतिम संस्कार करे। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि हमने हर परिस्थिति में सरकार का सहयोग किया है, लेकिन सरकार ने हमारी कभी कोई सुध नहीं ली, बल्कि हमें अनाथों की तरह छोड़ रखा है। हासिल जानकारी के मुताबिक संविदा स्वास्थ्य कर्मी पिछले 15 दिसंबर से नियमितीकरण सहित दो सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, लेकिन अब तक सरकार द्वारा संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की कोई सुध नहीं ली गई है। अपनी मांगों को लेकर काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं कर्मचारी, इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ दो सूत्री मांगे हैं कि हमारे जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, जो 20 साल से 25 सालों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कोरोना योद्धा का दर्जा आपने जिनको दिया है, वो आज लगातार 15 दिनों से हड़ताल में हैं, और हमारी सिर्फ और सिर्फ दो सूत्री मांगे हैं कि हमें नियमित किया जाए और हमारे ऐसे साथी जो शासन की दमनकारी नीति का शिकार होकर उनको बाहर कर दिया गया था, आउटसोर्स कर दिया गया है, उन्हें पुनः NHM में वापसी की जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। आज हम सब संविदा जो संविदा व्यवस्था है उसकी एक अर्थी निकालने वाले हैं, क्योंकि संविदा की एक ऐसी व्यवस्था है जो सिर्फ और सिर्फ शोषण की व्यवस्था है। अगर हम सब कर्मचारी इस व्यवस्था से परेशान हैं, हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करें और हम सब कर्मचारियों को नियमित करें और आगे भी भविष्य में इस प्रकार की कोई भी भर्ती ना हो जिसमें कर्मचारियों का शोषण। कितने दिनों से आप लोग यहां पे धरना? हम विगत 15 दिनों से 15 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और आगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक हम हड़ताल में बैठे। कुछ राजनीति समर्थन भी आप लोगों को मिल रहा है कहीं से? निश्चित ही राजनीतिक समर्थन हमको मिलेगा ही, क्योंकि हम सब निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज 25 साल से सेवाएं दे रहे हैं, कोरोना में युद्ध स्तर पर काम करके। कोरोना एक ऐसी महामारी जो इन सभी संविदा कर्मचारियों की दिन रात अथक परिश्रम करने के बाद हम सब इस बीमारी से विजय प्राप्त हुए थे। अब हमारी सिर्फ और सिर्फ यही मांग है कि हमें नियमित किया जाए, हमें सुरक्षा दी जाए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक हम बैठेंगे, और हमारे कई विधायक, मध्य प्रदेश के कई विधायकों का हमें समर्थन भी है, लगातार हमारी वो सेवाओं से प्रभावित है, और निश्चित ही आगे भी हमें समर्थन मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित ही संवेदनशील मुख्यमंत्री है, मेरा उनसे आग्रह है कि हमारी मांगों को पूरा करें। क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। जो हड़ताल चल रही है, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ एवं मेरी जो बहनें हैं उन सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और उनकी इस जो उनके अंदर जो ये ऊर्जा है और जो एकता है उसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ। क्योंकि कहते हैं कि महिलाएं चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि महिलाएं हमेशा जब एक पत्नी और पति जब शादी करके आते हैं तो पत्नी को कहा जाता है अर्धांगिनी, पति का आधा अंश पत्नी होती है। उसी तरीके से हर एक जगह जब तक गाड़ी के दोनों पहिए बराबर नहीं चलेंगे तब तक वो गाड़ी ठीक से चल ही नहीं सकती है। तो जितना अधिकार पुरुषों का है उतना हमारी बहनों का भी है, और आज आप सब लोग इतनी भारी तादाद में हैं, ये आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहती